वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू के एस एजुकेशनल। आई एम सुप्रवीण और आज 8 दिसंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले लें, आपका रेलवे हो गया, बैंकिंग के लिए, SSC, UPSC, ग्रुप डी के लिए, दिल्ली पुलिस, CPO के लिए, इन सभी में ये क्वेश्चंस दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। और जो मैं कलेक्शन आप तक लाता हूँ वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस क्रिएट होता है मैं अपने अनुभव के अनुसार बस वही आपके लिए लाता हूँ और उसको कोरिलेट करके बताता हूँ कि कैसे एग्ज़ाम्स में आपको क्या और पूछा जा सकता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप केस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज पर फॉलो कर ले, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला ही सवाल है कि किस शहर में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा और यह शहर कौन सा है? क्या है यह? यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह, तो ये वर्डिंग याद रखिएगा, यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह का 5वां संस्करण है ये। क्या है? 5th है ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया, क्या है ये वर्डिंग याद रखिए कि वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और यह किसके द्वारा? वीमेन लिफ्ट हेल्थ के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ये जो आयोजित किया जाना है या किसके द्वारा होना है? वीमेन लिफ्ट हेल्थ के सहयोग से आयोजित किया जाएगा और यह किसके द्वारा होना है? ये होना है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल या इसी इंडस्ट्री के द्वारा होना है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स, ये वर्डिंग भी याद रखिए, टेक्नोटेक्स 2023 फरवरी 2023 में किस शहर में आयोजित होगा? हालांकि ये आने वाले फैब में होगा और ये फैब में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये शहर आपका है मुंबई। टेक्नोटेक्स 2023 कहां? मुंबई में आयोजित होगा। भारत के उपभोक्ता टेक ब्रांड नॉइज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये एक्चुअली आप देख ले तो हेडफोन्स के लिए, हैंड वॉच के लिए काफ़ी फेमस है ये ब्रांड। तो ये नॉइज ने अभी ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है वो विराट कोहली को किया है। डेमिनिक लेपेरे का निधन अभी अभी हो गया और वह कौन से पुस्तक के मुख्य, जो बहुत फेमस इनका बुक्स है उसके लिए जाने जाते हैं? तो कुछ मैंने आपको एक सिंबल भी दिखा दिया था कि याद रहे। और इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था, एक फ्रीडम एट मिडनाइट और एक जो है वो सिटी ऑफ जॉय। ये 2 इनका जो बुक्स है वो काफ़ी फेमस है। हालांकि फ्रीडम एट मिडनाइट का कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बुक आया था। तो ये 2 फेमस बुक है जो कि इनके द्वारा लिखा गया, आने वाले एग्जाम्स में ये दिखता रहेगा। अभी विश्व बैंक के रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में रेमिटेंस के रूप में कुल कितना बिलियन डॉलर प्राप्त होगा? और यह कुल है 100 बिलियन डॉलर। भारत सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय संख्या के आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? और यह नियुक्ति जो मिला है वो राजीव लक्ष्मण करमदीकर जी को मिला है। राजीव लक्ष्मण करमदीकर जी को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अभी अभी बैठक हुआ, आप लोगों को पता होगा ये न्यूज। और इस बैठक के बाद जो RBI ने रेपो रेट में कुछ चेंजेस लाया है वो कितना, सबसे पहला तो सवाल ये बनेगा कितना बेसिस पॉइंट का चेंज हुआ है? ये आपको बताना है, 35 बेसिस पॉइंट का चेंज हुआ है। 35 बेसिस पॉइंट का अगर चेंज हुआ तो राइट नाउ जो अभी रेपो रेट है वो क्या है फिर, ये सवाल है। तो फिलहाल जो रेपो रेट है वो 6.25% है। क्या आपको पता है कि ये 5वां बार लगातार रेपो रेट में चेंजेस है? तो फिलहाल जो रेपो रेट आपका बढ़कर हो गया वो क्या हो गया, 6.25, कितने बेसिस पॉइंट से? 35 बेसिस पॉइंट से। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर
76% करने का विधेयक पारित कर दिया। और राज्य क्या है, यह छत्तीसगढ़ है। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, और यह उच्च न्यायालय कौन सा है, मद्रास उच्च न्यायालय। मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध, न्यायालय कौन, मद्रास उच्च न्यायालय। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया, यह भारत किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया, और यह भारत जो देश है वो क्या है, दक्षिण कोरिया है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया है, और यह संस्था कौन सा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हालांकि देखा गया तो 2002 से लेकर 2021 तक जो ये ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया है, इसमें देखा गया कि जो वाटर लेवल है हमारे अर्थ पर वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो ये किसके द्वारा किया गया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था जो मैंने आपके लिए आज रखा था 8th of December। एंड अगर आप नए हैं केएस एजुकेशनल ऐप के, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, बिकॉज आपको जो नोटिफिकेशन है वो तभी मिल पाएगा। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा, अगर बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें प्लीज़, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स।